हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करेंगे सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के बारे में, जो कि आपकी यूनिट 14 लीगल फ्रेमवर्क फॉरेन ट्रेड का पार्ट है। इसके पार्ट वन में हम कर चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, तो इस लेक्चर में हम करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, इसे कब बनाया गया और ये कब फोर्स में आया, या ये क्या क्या चीज़ों को, किन किन गुड्स को कवर करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 कम इनटू फोर्स ऑन July 1, 1930। तो कब आया ये हमारा, किस दिन ये कह सकते हैं लागू हुआ, 1 जुलाई 1930 के दिन इस चीज़ को अप्लाई कर दिया गया हमारे गुड्स की सेल्स में। तो कह सकते हैं इसकी जो फॉर्मेशन हुई या जिस दिन हमारा फोर्स में आया ये, वो दिन था हमारा 1 जुलाई 1930। इसके अंदर क्या क्या होता है, इट प्रोविजंस आर अप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड, एग्जांपल मूवेबल अदर देन एक्सनेबल क्लेम एंड मनी। अब ये किन किन चीज़ों पे अप्लीकेबल होता है, या सेल्स ऑफ गुड एक्ट हमारा किन किन चीज़ों पे हम अप्लाई कर सकते हैं, या इसके रूल्स कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, तो ये सिर्फ उन गुड्स पे अप्लाई होते हैं जो आपके मूवेबल गुड्स हैं, मतलब जिन चीज़ों को आप एक जगह से दूसरी जगह पर या एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या एक दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं इजीली। इसमें आपका कोई कह सकते हैं एक्सनेबल क्लेम, मतलब कॉपीराइट, पेटेंट राइट या मनी से रिलेटेड किसी भी चीज़ को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता। दिस सेल इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक लैंड, फ्लैट, हाउस एंड शॉप। तो अभी हमने जैसे ऊपर बात करी थी कि ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज, मूवेबल गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है, तो ये सब हमारे क्या है, ये इमूवेबल हैं, फ्लैट है, हमारा हाउस है, हमारी शॉप है या हमारा लैंड है। इन चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या एक जगह से दूसरी जगह पर इन्हें ले जाया नहीं जा सकता, ये एक फिक्स होते हैं, तो इन चीज़ों पर हमारा सेल्स ऑफ गुड एक्ट अप्लाई नहीं होता। अब देखते हैं कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट के क्या फीचर्स हैं। द लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड इज कंटेंड इन सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। बिफोर दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड द लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड वॉज कंटेंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसका क्या फीचर है कि अब ये अपने आप में एक एक्ट बन चुका है, एक रूल रेगुलेशंस खुद बना चुका है, ये अपने आप में इसकी खुद की गाइडलाइंस है अब, और ये एक तरह से इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है हम अब, ये द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले क्या था 1930 से पहले, कि आपका जो सेल्स ऑफ गुड का एक्ट था ये पार्ट था, या कह सकते हैं किसके अंडर आया करता, ये आया करता आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन जब आपका ये एक्ट बना सेल्स ऑफ गुड एक्ट, तो इस चीज़ को या मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ट्रांसफ़र्स को या उनकी सेल्स को एकदम अलग बॉडी में रख दिया गया, या उनका एक अलग ही एक्ट बना दिया गया। दूसरा है, द लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स हैव बीन सेपरेटली इनेक्टेड बाय द जनरल प्रोविजंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आपका जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, इसको आपको किस तरह से अलग किया गया है, इसमें कुछ आपके जनरल प्रोविजंस हैं, और कह सकते हैं जनरल प्रोविजंस हैं, और आपके जो प्रिंसिपल्स हैं किससे, जो इसे अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इसके कुछ प्रिंसिपल और जनरल प्रोविजंस अलग तरीके से काम करते हैं या उनका प्रोसेस अलग है। तीसरा है, द लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड provides certain special features we are not found in general law of contract। तो इसका एक और फीचर क्या है, ये हमें कुछ एडिशनल या स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करता है ये एक्ट, जो कि हमारे इससे पहले के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थे या उसके अंदर हमें नहीं मिलते थे। फोर्थ है, इन केस ऑफ एक्सप्रेशन यूज्ड आर नॉट डिफाइंड इन सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। जैसे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, उसके अंदर उन्होंने पूरा डिफाइन कर रखा था कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जो आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, इन्होंने इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया अपने आप से कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट क्या है। इन्होंने डेफिनेशन कहाँ से लिए फिर, जो इन्होंने एक्सप्रेशन किया है इनका खुद तो है नहीं, तो इन्होंने जो पहले हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था डिस्क्राइब,
उसी मीनिंग को, उसी डेफिनेशन को इन्होंने यहाँ पर यूज करा है, तो इनका खुद का एक्सप्रेशन नहीं है। हम देखते हैं कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट का मतलब क्या है। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ सेल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टीज इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। अब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपका जो सेलर होता है वो ट्रांसफ़र करने के लिए या एग्री करता है अपनी प्रॉपर्टी या गुड्स को बायर को, किसके कंपैरिजन या किसके कंसीडरेशन में या किसके एक्सचेंज में, प्राइस के एक्सचेंज में। तो इसमें हमारा जो बायर और सेलर होता है वो ट्रांसफ़र और एग्री होता है कि या तो वो अभी ट्रांसफ़र कर देगा अपनी गुड्स या प्रॉपर्टी को, या फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर देगा बायर को, किसके बदले, प्राइस के बदले। तो वो होता है आपका सेल्स ऑफ गुड। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, वो देख लेते हैं कि किन एलिमेंट्स को कंपलसरी होना चाहिए तभी वो चीज़ सेल्स ऑफ गुड कहलाएगी। तो पहला है हमारा पार्टीज। अब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कोई चीज़ सेल करते हो, तो कम से कम आप वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज पर्सन्स का होना कंपलसरी है। क्योंकि आप सेल किसे करोगे, सेल किसी पर्सन को करोगे, किसी पार्टी को करोगे, अगर कोई है ही नहीं वहाँ पर तो आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या ज़रूरी है, पार्टीज, पार्टीज दो या दो से ज़्यादा। दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अब जब आप कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी को, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी किसे, आपके बायर को। कि एक कह सकते हैं आपका जो ओनरशिप होता है गुड्स का वो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तीसरा है ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। अब ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क क्या है कि इन सेल द बायर बियर्स द रिस्क व्हाइल इन एन एग्रीमेंट टू सेल द रिस्क रिमेन्स विद द सेलर। अब अगर आपने प्रोडक्ट को तुरंत सेल कर दिया है या आपने प्रोडक्ट अभी सेल कर दिया तुरंत, तो उसमें आपका जो ओनरशिप होती है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, वो बायर सेलर से बायर के पास ट्रांसफ़र हो जाती है। और जब बायर की अब उस पर ओनरशिप है तो उस कंडीशन में जो भी रिस्क होता है उस गुड्स पे, प्रोडक्ट पे, उसको कौन बियर करता है, हमारा बायर बियर करता है सारे रिस्क को। अगर आपका एग्रीमेंट है कि अभी आपने प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र नहीं किया है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करी है, तो प्रोडक्ट का पोजेशन किसके पास होता है, सेलर के पास। और ऐसी अगर किसी कंडीशन में कोई लॉस होता है तो उस लॉस को कह सकते हैं बियर कौन करेगा, आपका सेलर, क्योंकि अभी उसने एग्रीमेंट किया है लेकिन अभी गुड्स का पोजेशन उसने ट्रांसफ़र नहीं किया। फोर्थ पॉइंट है आपका गुड्स। अब जब आप कोई भी सेल करते हो तो आपके पास एक गुड्स होनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट होना चाहिए सेल के लिए जो मूवेबल गुड्स हो। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, गुड्स ही नहीं है, तो आप सेल नहीं कर सकते। फिफ्थ आपका प्राइस। प्राइस इज द कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब आप किसी को कोई चीज़ सेल करते हो तो उसके बदले आपको बायर कुछ ना कुछ पे करता है, जिसे आप कंसिडरेशन कहते हैं, या उससे आप उस प्रोडक्ट का प्राइस कह सकते हैं। अगर बिना प्राइस के, बिना कंसिडरेशन के कोई आप सेल कर रहे हैं तो वो सेल नहीं कहलाती। एंड सिक्स्थ है द अदर एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसा हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, जहाँ पर हमने वैलिड पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, तो उसके वो सारे एलिमेंट्स भी इसमें होने चाहिए। और जब ये सारी हमारी छः की छः चीज़ें या छः एलिमेंट्स किसी सेल में होते हैं तभी वो कहलाती है हमारी सेल्स ऑफ गुड। अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्या बनाया किस तरह जाता है या किस तरह फॉर्म करते हैं सेल्स ऑफ गुड को, अब देखते हैं कि किस तरह बनता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, तो किस तरह, या तो आप लिख के कर सकते हैं, या वर्ड्स बाय माउथ एंड इम्प्लाइड द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और फ्रॉम द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। मतलब आप या तो रिटर्न में दे सकते हो कि आप इस चीज़ को परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, या फिर आप मुँह से कह सकते हैं या आप ओरल बोल सकते हैं कि मुझे प्रोडक्ट परचेज करना है या मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो मैं इसको परचेज करना चाहता हूँ या परचेज करूँगा। या कह सकते हैं कि आपकी कोई दो पार्टीज़ के बीच में कोई डीलिंग हुई, और डीलिंग कह सकते हैं आपकी वो वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी, रिटर्न में भी हो सकती है, और आपकी वो ओरल भी, तो कोई भी डीलिंग हो जाए पार्टीज़ के बीच में। तो इस तरह जब आप एक्सप्रेस कर सक
करते हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो वो आपका कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज फॉर्म बाय द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो जैसे हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट में था कि जब तक आपका एक्सेप्टेंस और ऑफर दोनों चीज़ ना हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तब तक वो चीज़ वैलिड नहीं होती। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर भी यही होता है कि आपका ऑफर और आपका एक्सेप्टेंस दोनों होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ नहीं होती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहलाता या नहीं हो सकता। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रोवाइड फॉर इमिडिएटली डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ द प्राइस, और बोथ द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, और पेमेंट एंड डिलीवरी आल्सो बोथ इन पोस्टपोन्ड। अब आप जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो इसमें आपको आपकी पेमेंट और आपके गुड्स की डिलीवरी इमिडिएटली भी मिल सकती है, कि हो सकता है आप जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया आप उसी टाइम पेमेंट कर दो और आपको डिलीवरी मिल जाए। हो सकता है कि आपको डिलीवरी और पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे हो, कि आपने कुछ पेमेंट अभी कर दी, कुछ फ्यूचर डेट पे करोगे और उसी हिसाब से आपको कुछ डिलीवरी अभी मिल गई, कुछ डिलीवरी फ्यूचर डेट पे मिलेगी, या फिर पेमेंट एंड डिलीवरी आल्सो बोथ आर पोस्टपोन्ड, कि आपने अभी सिर्फ एक एग्रीमेंट कर लिया, आपकी पेमेंट और डिलीवरी दोनों फ्यूचर डेट पे होंगी जो कि पोस्टपोन्ड है। तो ये होते हैं हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि इन इन तरीकों से हम फॉर्मेशन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या, हमारा गुड्स कि ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जो इसमें हम सेल करते हैं या जिनका कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो किस किस टाइप के होते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं कि गुड्स हैव बीन डिफाइंड इन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमने पहले इसमें देखा है कि गुड्स हम किसको कहते हैं, मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को हम मूव करा सकें या जो प्रॉपर्टी अपने आप में मूवेबल हो वो इसमें इंक्लूड करी जाती हैं। नॉर्मली इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है गुड्स का वो तीन कैटेगरी में किया गया है। पहला आपका आता है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा है आपका फ्यूचर गुड्स, और तीसरा है आपका कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है कि जब ओनर जो होता है या सेलर होता है उसके पास वो गुड्स या तो उसके पास हो प्रेजेंटली या उसके पोजेशन में हो, किसके, सेलर के, एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका या आपने जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया उस टाइम वो प्रोडक्ट या वो गुड्स सेलर के पास हो या उसके कंट्रोल में हो, तो वो होता है आपका एग्जिस्टिंग गुड्स। अब जब आपने टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया उस टाइम वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं था, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को या तो किसी से एक्वायर करोगे या सेलर एक्वायर करेगा या मैन्युफैक्चर करेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद में, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो यहाँ पर कर लिया या एग्रीमेंट ऑफ सेल तो कर लिया कि हम इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या सेलर इसको सेल करेगा, लेकिन उसके पास अभी वो गुड्स है नहीं, उन्हें वो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर करेगा उस एग्रीमेंट के बाद या किसी थर्ड पार्टी से एक्वायर करेगा। तो ये होती है हमारी फ्यूचर गुड्स। तीसरी आती है हमारी कंटिंजेंट गुड्स। तो इसमें क्या होता है कि गुड्स होती तो सेलर की है लेकिन वो श्योरिटी नहीं होता कि वो उस तक कब पहुंचेंगी या पहुंचेंगी या पहुंचेंगी भी नहीं, हो सकता है कि उसके पास उसे वो गुड्स रिसीव ही ना हो। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक ए सेलर है, उसने कोई प्रोडक्ट बी कंट्री से अपनी कंट्री में या अपने पास इंपोर्ट किया है वायरशिप से, बी कंट्री ने कोई प्रोडक्ट ए सेलर को यहाँ पर भेज दिया कि क्योंकि सेलर ने उसकी पेमेंट कर दी थी, ठीक है। अब ए सेलर था, बी से उसने कोई अपना गुड्स मंगाया और आया किसके, शिप के थ्रू आया है, ये पानी के जहाज के थ्रू आया है। अब हो सकता है कि रास्ते में साइक्लोन्स आ जाएं या कह सकते हैं कोई सुनामी आ जाए, तो उसका जो गुड्स है यहाँ पर डैमेज हो जाएगा, उसका गुड जो है वो ए तक पहुँच ही नहीं पाएगा, लेकिन ये गुड्स अब ए का हो चुका था क्योंकि ए ने इसकी पेमेंट कर दी थी सेलर ने उस गुड्स के लिए, लेकिन अभी उसके पास ऐसे सर्कमस्टांस है, कंटिंजेंसी है कि वो उसे एक्वायर नहीं कर पा रहा है या उसकी जो रिसीविंग है वो डिले हो रही है। तो मतलब ऐसे गुड्स जो है तो हमारे, लेकिन अभी हमें उनका एक्विजिशन के बारे में श्योरिटी नहीं होती कि वो हम तक कब तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, तो वो आते हैं हमारे कंटिंजेंट गुड्स में। अब देखते हैं कि हमने प्राइस की बात करी थी कि एलिमेंट्स और प्राइस में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं।
प्राइस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कि प्राइस एसेंशियल पार्ट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब बिना प्राइस के, बिना कंसिडरेशन के आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। और प्राइस को किस टर्म में मेजर करते हैं हम, या एक्सप्रेस करते हैं? मनी की फॉर्म में। यानी प्राइस को हम किस तरह मेजर करते हैं? मनी की फॉर्म में। प्राइस में भी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। अब प्राइस का कह सकते हैं डिटरमाइन कौन करेगा कि इस गुड्स का कितना प्राइस होगा या कितना आपको पे करना पड़ेगा। तो इसके तीन तरीके होते हैं कि या तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते हैं तो उसके अंडर आपने क्लियर मेंशन किया हो कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, या फिर जब आप दोनों पार्टीज, हो सकता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तो मेंशन नहीं किया, लेकिन अब दोनों पार्टीज़ ने डिस्कशन कर लिया या वहाँ डील कर लिया कि आपको इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो होता है आपका कोर्स डीलिंग बिटवीन द पार्टीज़। और अगर ये दोनों कंडीशन हैं कि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी प्राइस के बारे में कुछ नहीं कहा और उन दोनों ने कोई डीलिंग भी नहीं करी अबाउट टू प्राइस ऑफ कमोडिटी या प्रोडक्ट्स, तो उस कंडीशन में क्या होता या क्या प्राइस होएगा? तो इफ़ द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय एनी वन ऑफ दोज मेथड्स, द बायर मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस टू द सेलर। अब ऐसी कंडीशन में जब प्राइस फिक्स ना हुआ हो तो उस कंडीशन में आपके बायर को, सेलर को उसके गुड्स के लिए एक रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। रीजनेबल प्राइस आप कह सकते हैं जो उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू हो या जो नॉर्मली जिस प्राइस पे उसे वो सेल करता हो। तो अब हम देखते हैं कंडीशन एंड वारंटी। अब हमने प्रोडक्ट का एग्रीमेंट बना लिया, सेल कर दिया, तो उसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं सेल्स के लिए और कुछ वारंटीज। तो हम देखते हैं कि कंडीशन और वारंटी क्या होती है और किस तरह समझा जा सकता है। कंडीशन इज द स्टिपुलेशन विच फॉर्म अ वेरी बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है स्टिपुलेशन का, मतलब क्या होता है? नेसेसरी या इम्पोर्टेंट स्टिपुलेशन का मतलब होता है। तो मतलब कंडीशन जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट करते क्यों हैं? क्योंकि आपकी कोई नीड है, आपकी कोई स्टिपुलेशन है, उसको फुलफिल करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो इट इज एसेंशियल और मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या हो गया, हमारा मेन पर्पस भी हो जाएगा, क्योंकि हम गुड्स परचेज क्यों कर रहे हैं, हमारा मेन पर्पस है उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो हमें चाहिए। द ब्रीच ऑफ द कंडीशन एंटाइटल्स द बायर टू रेपुडिकेट और अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, टू रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम फॉर द डैमेज। और अगर किसी सरकमस्टांस में जो हमारा सेलर है हमारी इस कंडीशन को ब्रीच करता है, या जहाँ हमने कंडीशन कही थी उसे, उसका गुड्स उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो यहाँ पर बायर के पास राइट होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिकेट करे या अवॉइड कर दे, या फिर उसके जो गुड्स है उसको रिजेक्ट करके क्लेम करे जो बायर को डैमेज हुआ है। ये सब एग्जांपल से ले सकते हैं कि बायर वांट्स अ हॉर्स विच कुड रन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब कोई बायर कोई हॉर्स खरीदने के लिए गया है और उसने वहाँ पर जाके क्या कंडीशन दी कि मुझे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो। तो बायर ने उसे वहाँ पर एक घोड़ा दे दिया, एक हॉर्स दे दिया कि हाँ इस हॉर्स की स्पीड आपकी 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अब बायर आता है, उसको जब उस पर चल के देखता है, उसे चला के देखता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है? उसकी स्पीड देखता है कि 40 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अब उसकी बायर की कंडीशन क्या थी? उसे चाहिए था 60 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने वाला, लेकिन सेलर ने क्या उसे दे दिया? 40 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसी कंडीशन में, इस केस में हमारी जो कंडीशन थी वो ब्रीच हो गई, और इस कंडीशन में अब बायर के पास क्या राइट है? बायर उस हॉर्स को या उस घोड़े को रिजेक्ट कर सकता है और जो उसने पेमेंट करी है उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकता है। तो ये होती है हमारी कंडीशन। इसमें होता है कि बायर के पास राइट होता है उस गुड्स को रिजेक्ट करने का और अपने टोटल पेमेंट्स को रिकवर करने का। अब वारंटी देखते हैं। वारंटी इज द कोलेटरल और सब्सिडरी टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये कह सकते कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक पार्ट होता है, या कह सकते हैं हिस्सा होता है कॉन्ट्रैक्ट का। इट्स ब्रीच विच इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी सीरियस। अगर कोई वारंटी टूटती है या ब्रीच होती है तो उसे हम ज़्यादा सीरियस नहीं ले सकते।
entitled the aggressive party to claim only damages without any right to avoid the contract or reject the goods. अगर वारंटी ब्रीच होती है तो यहाँ पर बायर के पास सिर्फ उस डैमेज का जो कह सकते हैं उस डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है, मतलब जितने का क्लेम हुआ है उसे सिर्फ उसके लिए वो उस अमाउंट के लिए क्लेम कर सकता है कि आप या तो इस पार्ट को रिप्लेस करो या इस पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को चेंज करो। आप सिर्फ उस पार्ट के लिए उसे क्लेम कर सकते हैं लेकिन उसके पूरे गुड्स को या उस प्रॉपर्टी को रिजेक्ट नहीं कर सकते या उस एग्रीमेंट को अवॉइड नहीं कर सकते। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि ए ने कोई कार परचेज करी, किससे? ए ने कार परचेज करी आपकी बी से, और बी कहता है कि आप हमें जो हम आपको जो कार दे रहे हैं इसकी वारंटी है 1 ईयर की वारंटी हम इसके साथ आपको देंगे कि अगर 1 साल के अंदर आपका कोई प्रोडक्ट इसमें ख़राब होता है या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है तो उसे हम रिपेयर करेंगे। अब ए होता है, ए उस कार को ले जाता है, यूज़ करता है, 6 महीने बाद उसमें लगता है कि उसके हॉर्न में या हॉर्न में प्रॉब्लम आ गई, वो वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा, तो वो फिर बी के पास जाता है और कहता है कि आपकी जो आपने मुझे जो कार दी थी उसका हॉर्न प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, आप उसे रिपेयर करो या एक्सचेंज कर दो। तो इस केस में अगर बी यहाँ पर कह दे कि ना तो मैं आपका एक्सचेंज करूँगा और ना ही आपका उसे रिपेयर करूँगा, तो इस कंडीशन में उसने अपनी वारंटी को ब्रीच करा है, जो बी हमारा सेलर था। तो यहाँ पर ए के पास राइट होता है कि वो क्लेम कर सके किस चीज़ का, आपने डैमेज के अमाउंट का या अपने डैमेज के लिए, मतलब सिर्फ एक डैमेज में कह सकते हैं उसका जो प्रोडक्ट का जो पार्ट था जो डैमेज हुआ है सिर्फ उसके लिए क्लेम कर सकता है कि उसे वो रिपेयर करना पड़ेगा या एक्सचेंज करना पड़ेगा वो पार्ट गुड्स का जो सिर्फ डैमेज हुआ है। तो इसके पास ये राइट नहीं है कि उस पूरी की पूरी गुड्स को रिजेक्ट कर सके। इसमें सिर्फ ये राइट होता है कि अगर हमारा सेलर वारंटी को ब्रीच करता है तो बायर के पास राइट होता है कि उसे क्लेम कर सके फॉर डैमेज के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कंडीशन एंड वारंटी। आगे देखते हैं, अब हमने कंडीशन की बात करी कि वहाँ पर जो हमारा सेलर था वो बता रहा था बायर कि उसे क्या क्या कंडीशन चाहिए या क्या कंडीशन नहीं चाहिए, तो वो हमारी एक्सप्रेस कर दी थी उसने कंडीशंस। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन सेलर को उन्हें फिलफिल करना पड़ता है, तो ये होती है हमारी इम्प्लाइड कंडीशंस। मतलब जो कंडीशंस हम या सेलर या बायर कह सकते हैं सेलर को ना बताए ना डिमांड करें लेकिन उन्हें फिलफिल करना पड़ता है, किसको? सेलर को। तो पहली कंडीशन है कंडीशन एज टू टाइटल। अब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ तो आपका जो गुड्स था वो सेलर से लेके बायर के पास चला गया, तो उसमें क्या होना चाहिए? उसका जो ओनरशिप होता है, जो टाइटल होता है, वो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा सेलर को बायर को। अगर आप कह सकते हैं सेलर बायर को उस प्रॉपर्टी का गुड्स का ओनरशिप या पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं करता है तो वो भी आपकी कंडीशन में सेलर के पास बायर के पास पूरा कंडीशन होता है कि उस गुड्स को रिजेक्ट कर सके और अपना जितना भी लॉस हुआ है उसको उसके लिए क्लेम कर सके। इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब सेलर का राइट होता है कि उसने जो डिस्क्रिप्शन सेलर बायर को दिया था अपने प्रोडक्ट्स का, मतलब बायर परचेस करने गया तो सेलर के पास प्रोडक्ट नहीं था, उसने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मेरा प्रोडक्ट इस क्वालिटी का है, इस वर्क के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो बायर ने उसे परचेज़ कर लिया। बट बायर ने बाद में देखा कि वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वैसा नहीं है जैसा सेलर ने बताया था, तो इस कंडीशन में भी बायर के पास चॉइस होती है, ऑप्शन होता है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर सके और अपना जो उसको लॉस हुआ है उसके लिए क्लेम कर सके। तो क्या होता है, सेलर को डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही गुड्स देना पड़ता है। तो यही है, गुड्स आर सप्लाइड शेल विद द डिस्क्रिप्शन, मतलब गुड्स जो है डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होना चाहिए। इम्प्लाइड कंडीशन टू क्वालिटी और फिटनेस। अब इन दिस कंडीशन बायर रियलाइज द सेलर स्किल और जजमेंट एज द फिटनेस और गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। द बायर एक्सप्रेस टू द सेलर द पर्पज फॉर विच ही वॉन्ट्स द गुड्स एंड गुड्स सेल्स आर सच एज डिस्क्रिप्शन विच द सेलर डील्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसमें कहता है कि जब आपका बायर सेलर को कुछ प्रोडक्ट परचेज करता है उसके बारे में एक्सप्रेस कर दे कि मुझे ये प्रोडक्ट किस पर्पज़ से यूज़ करना है या मैं किस पर्पज़ से यूज परचेज कर रहा हूँ इसे और मुझे इसकी एक क्वालिटी चाहिए,
तो इस केस में अगर बायर क्वालिटी के बारे में पहले ही सेलर को बता दे, उसके बावजूद सेलर के प्रोडक्ट की क्वालिटी बायर की नीड या बायर की वांट्स के हिसाब से ना हो, तो यहाँ पर जो भी लॉस होता है बायर को, उसके लिए कौन एलिजिबल होता है? आपका सेलर एलिजिबल होता है, क्योंकि बायर ने पहले ही उसे अपनी, कह सकते हैं, क्वालिटी के बारे में बता दिया था कि उसे कैसी क्वालिटी चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी हमारा कैवियट एम्प्टर का रूल है, जिसमें कहते हैं कि बायर को खुद जागरूक होना चाहिए प्रोडक्ट्स के बारे में। क्योंकि जब आप अगर प्रोडक्ट्स परचेज करने गए हैं और आपने सेलर को ये नहीं बताया कि आपको किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, किस फिटनेस का प्रोडक्ट चाहिए, और उस केस में अगर प्रोडक्ट से कोई लॉस होता है आपको या बायर को कोई लॉस होता है, तो उसको कह सकते हैं कौन उठाएगा या कौन उस लॉस को पूरा करेगा। तो उसको हमारा जो लॉस को उठाने वाला होगा या उस लॉस को जो गेन करेगा वो होगा हमारा सेलर। उसके लिए कह सकते हैं वहाँ पर जो लॉस हुआ है उसके लिए टोटल रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा बायर। क्योंकि जब आपने सेलर को कोई बताया नहीं, आपने उसको कंडीशंस नहीं बताए कि आपको कैसी क्वालिटी चाहिए, कैसी फिटनेस चाहिए, तो उस कंडीशन में आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने लॉस के लिए, मतलब कि बायर। इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू मर्केंडेबल क्वालिटी, इसमें होता है कि आपको जो बायर प्रोडक्ट परचेस करने जा रहा है तो उसे वही प्रोडक्ट देना चाहिए सेलर को कि जो यूजेबल हो या फिर जिसको एक्सचेंज किया जा सके इन टर्म्स ऑफ वैल्यू को, या उसे सेल किया जा सके। तो अब आपने, कोई बायर गया सेलर को, उसने एक पेन खरीदा और घर में आके देखता है बायर कि वो पेन उसका चल नहीं रहा है या प्रॉपर राइटिंग नहीं दे पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि ना तो वो पेन चल रहा है सही से, पहली कंडीशन चल नहीं रहा, और दूसरी कंडीशन जब आपका कोई प्रोडक्ट चल नहीं रहा, वो ठीक नहीं है, तो आप उसे सेल भी नहीं कर सकते और ना ही उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ, जो सेलर ने प्रोडक्ट दिया वो मर्केंडेबल क्वालिटी का नहीं था, मतलब वो ठीक प्रोडक्ट नहीं था। तो इस कंडीशन में भी बायर को राइट होता है गुड्स को रिजेक्ट करने का। फिफ्थ आपका कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम्स, तो इसमें क्या होता है, क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस कैन बी अनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। कुछ ऐसी कंडीशन और हमारे, कह सकते हैं, क्वालिटी होती है जो हमारे ट्रेड के ऊपर या हमारे कस्टम्स के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपका कोई आज फास्ट है और आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप वहाँ के वेटर को बोलते हैं कि वो कुछ ऐसा सर्व करे आपको जो कि आप फास्ट में खा सकें या फास्ट के कस्टम्स के हिसाब से वो बना हो। लेकिन वहाँ पर जो वेटर है आपको कुछ ऐसा सर्व कर देता है जो आपके कस्टम्स के हिसाब से नहीं था, या ऐसा वो प्रोडक्ट्स जो आप फास्ट में नहीं खा सकते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि हमने उसे एक कस्टम बता दिया, एक अपना एक रीति रिवाज बता दिया, हमने वो बता दिया कि हमें इसके हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए, तो आप डिसाइड करो। तो जब वेटर ने उसे जो प्रोडक्ट डिलीवर किया या सर्व किया जो, वो उस कस्टम के हिसाब से नहीं था, तो इस कंडीशन में हमारे बायर के पास राइट होता है कि उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सके और अपने डैमेज के लिए क्लेम कर सके। सिक्स्थ है इम्प्लाइड कंडीशन बाय सैंपल, अब आपको जो सैंपल दिखाता है सेलर और आप जो प्रोडक्ट बल्क में परचेस करते हो, फिर उस सेलर से किसके बिहाफ पे, उस सैंपल के, आपका जो गुड्स होता है वो सैंपल के हिसाब से ही होना चाहिए। इन केस अब आपको जो सैंपल दिखाया था सेलर ने वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन आपने जो गुड्स परचेस किया बाद में चेक करा कि आपका जो गुड्स था उस सैंपल के हिसाब से नहीं है, तो इस कंडीशन में भी हमारी इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि हमें जो प्रोडक्ट्स मिलना चाहिए वो वही हो जो सैंपल हमें सेलर ने दिखाया था। अगर ये कंडीशन ब्रीच करता है, इस कंडीशन को तोड़ता है सेलर, तो बायर के पास यहाँ भी राइट होता है कि उस प्रोडक्ट को या उस गुड्स को रिजेक्ट कर दे या फिर अपने लॉस के लिए क्लेम करें। सेवन्थ हमारा इम्प्लाइड कंडीशन एज टू वोल्सम, इसमें होता है कि दिस इज अ इम्प्लाइड कंडीशन डेट्स द गुड शैल बी फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया आया हो, कस्टमर्स को उसके बारे में ना पता हो कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या मे भी हो सकता है उसका कोई आपका आपकी बॉडी पे या आपकी हेल्थ पे इंजूरियस इफेक्ट हो, लेकिन सेलर को उस कंडीशन में पता होता है कि उसका क्या इफेक्ट हो सकता है और सेलर आपको उस प्रोडक्ट का डैमेज या इंजरी जो हो सकती है आपको उसके बारे में ना बताए। और फिर अगर सेलर उस कंडीशन में, अगर बायर को कोई, कह सकते हैं,
कि उसको कोई प्रॉब्लम होती है हेल्थ रिलेटेड या कंजम्पशन के बाद, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट उसके लिए ठीक नहीं था, उसकी हेल्थ के लिए या ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं था, और सेलर ने उसे सेल कर दिया बिना बताए कि वो प्रोडक्ट उसके लिए ठीक है या नहीं है, तो इस कंडीशन में भी हमारे बायर के पास राइट होता है कि वो प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दें, और अगर रिजेक्ट नहीं कर सकता, यूज़ कर लिया है, तो उसके लॉस के लिए या डैमेज के लिए क्लेम करें। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा, होप करता हूँ। अब देखते हैं हम इम्प्लाइड वारंटीज़। अब कंडीशंस देखिए कि किन किन कंडीशंस में बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है या टोटल जो उसने पेमेंट दी थी उसके लिए क्लेम कर सकता है। अब कुछ वारंटीज़ के बारे में देखते हैं कि वारंटीज़ कौन कौन सी होती हैं। द बायर शैल हैव अ इन्जॉय क्वाइट और पीसफुल पोजेशन ऑफ द गुड्स। मतलब अगर बायर ने कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो अब वो उस प्रोडक्ट को अपनी मर्जी से यूज़ कर सकता है, जिस तरह कह सकते हैं पूरा इन्जॉय कर सकता है कि वो उसे कब यूज़ करे, किस तरह यूज़ करे, और कोई थर्ड पर्सन उसके लिए उसे आकर मना नहीं कर सकता या उस पर अपना कह सकते हैं राइट नहीं लगा सकता कि ये प्रोडक्ट मेरा है या इसे आप इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बायर ने कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया है तो मतलब उसके पास उसका ओनरशिप होना चाहिए, उसका पोजेशन होना चाहिए, और उसे वो उसे जिस तरह यूज़ करना चाहे उसे यूज़ कर सकता है। पहली हमारी वारंटी होती है। अगर ऐसा नहीं होता इस केस में तो आप सेलर के पास जा सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें अपना वो पीसफुली यूज़फुल नहीं कर पा रहा है, या कोई थर्ड पार्टी आके उसे बोलती है कि वो प्रोडक्ट उसका है, तो इस कंडीशन में भी आप अपने डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं सेलर को। दूसरा है, द गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और एनकमरेंस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी। मतलब अब आपने कोई परचेज कर लिया, एक सेलर है और बी आपका बायर है। बी ने क्या करा, ए से कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो बी ने परचेज करा है ए से, लेकिन ए ने जो उसे गुड्स दी है उस गुड्स में क्या था कि वो अभी उसने उसकी इंस्टॉलमेंट फुलफ़िल नहीं करी थी, उसने बिना किस्तों के भुगतान करे या पेमेंट करे ही उस प्रोडक्ट को किसे पे कर दिया, बी को। तो बी के पास क्या है, जब बी के पास प्रोडक्ट गया उसे बाद में पता चला कि उसे जो प्रोडक्ट मिला है उसकी तो अभी इंस्टॉलमेंट भी पूरी नहीं भरी थी सेलर ने, तो उसके पास किसका राइट हो जाएगा, कह सकते हैं जिसकी उसने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी थी उस पार्टी का भी अभी उस गुड्स के ऊपर राइट होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर कुछ होता है तो हमारे बायर के पास पूरा राइट होता है कि सेलर के पास जाए और अपने जो उसे लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है उसके अगेंस्ट वो क्लेम कर सकता है। तो हमें वारंटी होती है कि सेलर बायर को वही प्रोडक्ट सेल करे, वही गुड्स सेल करे जिसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेयर ना हो, या अदर किसी भी उसके परचेज करने के बाद उसे किसी भी थर्ड पर्सन को कोई पेमेंट ना करनी पड़े। तीसरा है, इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस इम्प्लाइज वारंटी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस कैन बी अनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी जो क्वालिटी और फिटनेस होती है प्रोडक्ट की, अगर आपकी वो नहीं होती ही नहीं मिलती आपको प्रोडक्ट की परचेज करने के बाद जैसा कि आप चाहते हैं या जिस पर्पस से आपने उस प्रोडक्ट को परचेज करा, हो सकता है कि आपका जो पर्पस हो प्रोडक्ट को परचेज करने का उसमें आपको हाई क्वालिटी चाहिए हो प्रोडक्ट की, या फिटनेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए हो, और उस चीज़ को फिलफिल ना कर पा रहा हो आपका प्रोडक्ट सेलर का जो सेलेबल प्रोडक्ट था, तो इस कंडीशन में भी बायर के पास राइट होता है अपने डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है वो। फोर्थ पॉइंट होता है, व्हेन गुड्स आर इनहेरेंट डेंजरस और लाइकली टू बी डेंजरस टू द बायर, देयर इज अ इम्प्लाइड वारंटी दैट द शुड बी बाउट टू अ नोटिस टू द बायर, द सेलर शैल वॉर्न द बायर ऑफ द प्रोबेबल डेंजर, अदरवाइज सेलर शैल बी लायबल। अब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो जिसे यूज़ करने का तरीका, जब वो प्रोडक्ट ही बायर के लिए डेंजरस हो सकता है। कुछ प्रोडक्ट होते हैं कि आप उन्हें जब देखते हैं तो उस पर एक प्रिकॉशन लिखी रहती है कि इसको आप इस तरह यूज़ करें, या ये सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए है या सिर्फ ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। तो ऐसी अगर कोई कंडीशन होती है और सेलर बायर को उसके बारे में वॉर नहीं करता या उसे इन्फॉर्म नहीं करता, और उसके बाद बायर को कोई लॉस होता है या कोई इंजरी होती है या कोई डैमेज होता है, तो उन सब के लिए क्लेम कौन देगा,
आपका सेलर को उन चीज़ों के लिए क्लेम देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा सेलर रिस्पॉन्सिबल है, सेलर लायबल है, क्योंकि सेलर को उस चीज़ का पता था कि इस चीज़ से ऐसा हो सकता है, बट उसने बायर को नहीं बताया। तो ये चार हमारी वारंटीज़ की कंडीशंस होती हैं जो हमारी इम्प्लाइड वारंटीज़ के आती हैं। बाकी देखते हैं, अब हमने देख लिया कि कंडीशंस हो गई, वारंटीज़ हो गई। अब हम जब गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सबसे पहले होता है कि गुड्स किस टाइम पे किसका होगा, गुड्स सेलर का होगा या बायर का होगा, या किस टाइम पे उससे उसे सेल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो देखते हैं इसमें कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू द बायर इज़ अ एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सेलर से बायर जरूरी है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। समटाइम्स गुड ट्रांजिट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और समटाइम आफ्टर अ कर्टेन डेट और टाइम। कुछ टाइम तो क्या होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे हो जाता है ट्रांसफ़र, और कई बार आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप कुछ टाइम के बाद या कुछ स्पेसिफिक डेट पे ही ट्रांसफ़र होती है। द पॉइंट ऑफ टाइम बिकम इम्पोर्टेंट वेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर बाय द फॉलोइंग रीजन्स। इसमें कह रहा है कि आपका जो वो टाइम होता है जब आपका गुड्स का पोजेशन या उसका राइट ओनरशिप सेलर से बायर या बायर से सेलर ट्रांसफ़र होती है, तो उस टाइम को हम किस तरह पता करेंगे या हमें कैसे पता लगेगा इस टाइम पे कि गुड्स किसके पोजेशन में है, अगर इसमें लॉस होता है तो उसे कौन बियर करेगा। तो सबसे पहले रिस्क फॉलो ओनरशिप। रिस्क कौन फॉलो, मतलब रिस्क फॉलो करता है ओनरशिप, मतलब जिसके पास प्रोडक्ट की ओनरशिप होगी, पोजेशन होगा, उस प्रोडक्ट का होने वाला सारा लॉस वही आपका एक्सेस करेगा, कह सकते हैं उस लॉस को वही उठाएगा। वेदर डिलीवरी हैड मेड और वेदर द प्राइस हैड बीन पेड और नॉट सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। अब वही है कि आपकी डिलीवरी हुई हो, पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आपके एग्रीमेंट में जो ओनरशिप आपकी ट्रांसफ़र अगर हो चुकी है या होगी, रिस्क उसके हिसाब से ट्रांसफ़र होता है। इफ गुड्स आर डैमेज्ड बाय डिस्ट्रॉयड बाय अ थर्ड पर्सन द ओनर ऑफ द गुड्स कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। अब अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से, कह सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांजिट कंपनी या ट्रांसपोर्ट कंपनी की वजह से गुड्स में कोई डैमेज हुआ है, तो उसके ओनर के पास राइट होता है कि वो एक्शन ले सके अगेंस्ट हिम। थर्ड है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज ओनरशिप हेल्प द ऑफिशियल रिसीवर टू डिसाइड वेदर टू टेक ओवर द गुड्स। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर कोई दिवालिया हो जाए पार्टी, तो उस कंडीशन में ओनरशिप हेल्प करती है ऑफिशियल रिसीवर टू रिसीव वेदर टू टेक ओवर द गुड्स और नॉट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मतलब अगर लॉस होता है तो लॉस किसका होगा और लॉस किसको आपको फॉलो करता है, ओनरशिप को फॉलो करता है कि जिसके पास आपका गुड्स होगा, जिसके पास पोजेशन होगा, रिस्क वही उठाएगा। थर्ड पार्टी अगर आपका कोई लॉस करती है तो उसका ओनर उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। अब कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरह आपके गुड्स को किस टाइम डिक्लेयर होगा या माना जाएगा कि ये किसके पोजेशन में है, सेलर के या बायर के। तो नॉर्मली हम दो तरह के गुड्स की बात करते हैं, एक होता है आपका अनसर्टेन गुड्स और दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स। अब हम इसकी बात करते हैं अनसर्टेन गुड्स की। इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल अनसर्टेन गुड्स नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर अनलेस द गुड्स आर आइडेंटिफाइड। अब मतलब इसमें आपके पास प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जब तक आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई ना कर लो या उसे और प्रोडक्ट से अलग सेपरेट करवा दो। सिमिलरली इफ द सब्जेक्ट मैटर इज फ्यूचर गुड्स सिंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट्स एज द एग्रीमेंट टू सेल द बायर डज नॉट बिकम द ओनर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब आपका अगर कोई फ्यूचर में आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रांसफ़र होना है गुड्स, तो उसमें भी आपका जो ओनर कब बनोगे आप उस गुड्स के, जब आपको फ्यूचर में वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी या आपको वो उसका पोजेशन मिल जाएगा। इफ द पार्टीज हैव एक्सप्रेशन नो इंटेंशन द प्रॉपर्टी इज अनस्टेंड गुड इज अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट।
और अगर आपने पोजेशन और ओनरशिप के बारे में कोई बात नहीं करी है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, या आपने कुछ ऐसा डिस्कस नहीं करा है, तो आपका जो कह सकते हैं जो आपका पोजेशन होगा, ओनरशिप होगा, वो आपका जनरल प्रोविजंस पे हो जाएगा कि आपका एग्रीमेंट किस तरह का है, या आपने एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड आपकी रेगुलेशंस होती हैं उन्हें फुलफिल करा होगा। इसे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि आप कोई हॉर्स परचेज करने जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे हॉर्स हैं, ठीक है। अब वहाँ पर एक हॉर्स तो है नहीं कि आपने कोई देख लिया, अब वहाँ पर बहुत सारे हॉर्स हैं। जब तक आप उनमें से किसी एक स्पेसिफिक हॉर्स को आइडेंटिफाई ना करो कि मुझे ये स्पेसिफिक हॉर्स ही परचेज करना है और आप इसको अलग कर दो इन हॉर्स से, मैं इसे आज में ले जाऊंगा या कुछ टाइम बाद इसे ले जाऊंगा। तो आपने क्या करा, आपने वहां पर जो बहुत सारे हॉर्स का एक कह सकते ग्रुप था, उसके अंदर आपने एक हॉर्स को आइडेंटिफाई करा और उसे उन सबसे एक अलग करवा दिया कि हाँ इसको आप या तो अभी परचेज करोगे या फ्यूचर डेट पे ले लोगे। तो ये हुए आपके अनअसर्टेन्ड गुड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल्स की हेल्प से। दूसरा देखते हैं स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स, मतलब वो गुड्स जिन्हें आप पहचान चुके हैं या जिन्हें आप स्पेसिफिक तरह से जानते हैं कि उनके एक वैरायटी है या उनका एक मॉडल नंबर है जिससे आप उस प्रोडक्ट को उसकी कैटेगरी से अलग करते हैं। इसमें देखते हैं द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम व्हेन द पार्टीज टू इंटेंड द सेम टू बी ट्रांसफर। ट्रांसफ़र कब होगी आपकी, जब आपकी दोनों पार्टीज चाहेंगी उस चीज़ को ट्रांसफ़र करना गुड्स को। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कैन बी असर्टेन्ड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टीज एंड द सरकमस्टांस ऑफ इस सरकमस्टांसेस इन द केस। और जो उनकी इंटेंशन होगी पार्टीज की उस गुड्स को ट्रांसफ़र करने की, या वो सरकमस्टांस होते हैं जब वो हम मान लेते हैं कि एक गुड्स ट्रांसफ़र हो गया है, टोटली चार तरीके से होता है। बिल्कुल देखते हैं कि पहला स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, इसका मतलब क्या है, आप किसी शॉप पे गए और आपको वहाँ से कहना है कि आपको वहाँ से कोई गुड्स परचेज करना है या आपको कोई मशीन प्रोडक्ट परचेज करनी है उस दुकान से, तो आप गए और उस सेलर ने क्या करा, उस मशीन को पहले से उसने पैक करके रख रखा था आपके लिए, और मशीन में जो फॉर्मेलिटीज होती हैं या कह सकते हैं कोई एक्स्ट्रा वर्क करना होता है उसने वो कर रखा था, और अब वो कैसी कंडीशन में था कि बायर जाके उसे डायरेक्ट परचेज कर सके, उसमें कोई एडिशनल काम सेलर को नहीं करना था। तो इस कंडीशन में जैसे ही सेलर जाके बायर जाके सेलर से कॉन्ट्रैक्ट करता है सेल का, और जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उसके बाद ही वो गुड्स किसकी मान ली जाती है, बायर की, क्योंकि वो डिलीवरेबल स्टेट में है। तो अब वो गुड्स आपकी हो गई बायर की। अब इन केस बायर इस गुड्स को आज नहीं ले जाता, उससे बोलता है कि मैं इस गुड्स को कल आकर ले जाऊंगा, और रात में उस शोरूम में आग लग जाती है और वो मशीन जल जाती है, डैमेज हो जाती है। तो इस केस में उसका जो लॉस होगा उसे कौन उठाएगा, क्योंकि उसकी अब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी थी बायर के पास। बेशक वो कह सकते उसका पोजेशन था, वो अभी थी तो सेलर के शोरूम पे, पोजेशन सेलर के पास था, लेकिन उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी थी बायर को, तो उसका जो लॉस होगा वो आपका बायर उठाएगा, क्योंकि वो डिलीवरेबल स्टेट में थी वो गुड्स, और उसके बाद वो आपके बायर को ट्रांसफ़र हो चुकी थी। दूसरा पॉइंट होता है स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। अब आप कोई मशीन खर परचेज करने गए शोरूम पे, लेकिन अभी वो पार्ट्स में अलग अलग उन्होंने धर रखी थी और अभी उन्होंने असेंबल उसे नहीं किया था, तो कह सकते हैं कि आपने सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया कि आपका सेल्स ऑफ गुड आपने वहाँ पर बना लिया कि आप इस चीज़ को परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो मशीन अभी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं थी कि वो यूज़ में लाई जा सके। इस कंडीशन में आपके सेल्स के बाद भी जो उसका ओनरशिप होती है या आपका जो राइट होता है वो किसके पास होता है, सेलर के पास, क्योंकि अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि बायर उसे यूज़ कर सके। सेम प्रीवियस एग्जांपल में अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेल्स का, और जो बायर था वो बोलता है कल तक आप इसे तैयार कर देना, इस प्रोडक्ट को प्रॉपर कंबाइन कर देना इनके पार्ट्स को, मैं कल ले जाऊंगा, और रात में ही शोरूम में आग लग जाती है, वो सारे पार्ट्स जल जाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर ओनरशिप किसके पास थी, सेलर के पास, क्योंकि गुड्स जो थी डिलीवरेबल स्टेट में अभी तक आई ही नहीं थी, या कह सकते हैं प्रॉपर
प्रॉपर वे में बनी ही नहीं थी प्रोडक्ट जैसी हमारे बायर को चाहिए थी। तो इस केस में जो लॉस होएगा कौन उठाएगा? आपका सेलर उठाएगा। तीसरा है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट टू बी वेटेड मेजर्ड एक्सेट्रा बाय द सेलर। अब आप कोई चीज़ परचेज करने गए शॉप पे, हो सकता है आप किसी गोदाम में गए और वहाँ पर बहुत सारा गेहूँ पड़ा है गोदाम में। आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया कि मुझे 4 किलो गेहूँ चाहिए या 4 क्विंटल गेहूँ चाहिए, और दोनों ने उसको एक्सेप्ट और ऑफर भी हो गया और एक्सेप्ट भी हो गया आपका वो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब तक सेलर आपके लिए उस गोदाम से 4 किलो या 4 क्विंटल गेहूँ कह सकते हैं मेज़र ना करे या उसका वेट ना करे, तब तक आपके पास उसकी ओनरशिप नहीं आएगी बायर के पास। क्योंकि तो गोदाम में तो बहुत सारा कह सकते हैं गेहूं है, आपका 4 किलो है या 4 क्विंटल है, वो कौन सा होगा वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। वो कब डिसाइड होगा? जब वहाँ का जो सेलर है या उसका जो ओनर है वो उस प्रोडक्ट को मेज़र करके आपके लिए एक अलग से धर दे या अलग से आपको उस आपके लिए उसे सिक्योर कर दे कि अब ये आपका हो चुका है, हमने इसे मेज़र कर दिया है। तो इस केस में मेज़र के बाद या वेटेड के बाद वो प्रोडक्ट किसका हो जाता है? हमारा बायर का। और उसके बाद अगर उसमें कोई भी लॉस होता है तो उसको कौन उठाएगा? आपका बायर। अगर इन केस उसने वेट नहीं किया है ओनर ने या मेज़र नहीं किया है और फिर कोई लॉस होता है तो उसे उठाएगा आपका सेलर। फोर्थ पॉइंट है गुड सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल ऑन रिटर्न। अब कई बार आप क्या करते हैं कि आप गुड्स को कस्टमर्स को भेजते हैं कि आप इसे यूज़ करिए, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे रख लेना, या आप इसे अगर पसंद नहीं आता तो आप इसे रिटर्न कर दो। तो ए ने कोई प्रोडक्ट बी को सेंड किया कि आप इसे अपना यूज़ करो, अगर आपको यूज़ अच्छा लगे तो ठीक रख लेना, नहीं तो आप इसे रिटर्न कर देना। अब बी को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो बी ने वो प्रोडक्ट ए को वापस कर दिया। तो इस केस में अगर जब बी के पास प्रोडक्ट गया था और उस केस में कोई लॉस होता तो कौन उसे कह सकते हैं कौन उठाता उस लॉस को? ए, क्योंकि अभी बी ने अपना एक्सेप्टेंस नहीं दिया था उस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। और अगर बी ने कह दिया होता कि हाँ मैं आपके प्रोडक्ट को अपने पास रख रहा हूँ, ये हो सकता है उसने कॉल पे उसे फ़ोन पर बोला हो या उसने कोई टेक्स्ट मैसेज कर दिया हो कि हाँ मुझे आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया, मैं उसे रख रहा हूँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और फिर अगर उस प्रोडक्ट में कोई डैमेज होता है लॉस होता है तो उसके लिए हमारा बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये थे हमारे किस तरह हम प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को मानते हैं कि किस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी किसके पास होगी या उसका ओनर कौन होगा डिसाइड करते हैं। अब देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, कि हमने गुड्स प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र कर दी, गुड्स तो ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन अब उसका टाइटल कैसे ट्रांसफ़र करते हैं या टाइटल कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। अब हमारे पास एक रूल है नमो डेट क्वेड नॉन हैबिट। इस रूल के हिसाब से होता है कि आप सिर्फ वही टाइटल बायर को दे सकते हैं जो टाइटल आपके पास हो। अगर आपके पास खुद किसी चीज़ के आप ओनर नहीं हैं तो आप किसी दूसरे पर्सन को उस प्रोडक्ट का ओनर नहीं बना सकते। तो नॉर्मली इसमें यही कहते हैं व्हेन द सेलर हिमसेल्फ इज द ओनर ऑफ गुड्स, मतलब सेलर जब खुद उस गुड्स का क्या है ओनर है, विच इज सेल और व्हेन ही स्पेशलाइज्ड ऑथराइज टू सेल द समबडीज एजेंट ही कैन कन्वे अ गुड टाइटल इन गुड्स टू द बायर। इफ द सेलर इन नाइदर द ओनर हैज़ द अथॉरिटी टू सेल द टाइटल ऑफ द गुड्स बायर विल नॉट बेटर देन द सेलर। अब अगर सेलर के पास उस गुड्स की अथॉरिटी है, कह सकते हैं वो कोई चीज़ का एजेंट है या वो खुद का प्रोडक्ट है उसका, तब तो वो बायर को उसका सेम टाइटल कह सकते हैं ट्रांसफ़र करेगा या एक अच्छा टाइटल ट्रांसफ़र करेगा गुड्स का। लेकिन अगर सेलर ना तो उसका ओनर है और ना ही उसके पास अथॉरिटी है उस प्रोडक्ट को सेल करने की, तो उस कंडीशन में जो बायर को जो सेलर आपका ट्रांसफ़र करेगा टाइटल वो अच्छा टाइटल नहीं होगा या गुड टाइटल नहीं होगा। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके कि जहाँ पर आपका जो गुड्स ट्रांसफ़र होता है सेल होता है, सेलर उसका कह सकते हैं ओनर नहीं होता ना उसके पास ओनरशिप होती है, लेकिन फिर भी वो उस प्रॉपर्टी को बायर को ट्रांसफ़र करता है विद गुड टाइटल। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ को ओनर। को ओनर मतलब ए और बी आप लगा सकते हैं कि वो दो पर्सन ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है। अभी प्रॉपर्टी किसकी है? ए और बी दोनों की, दो ओनर है। अब बी ए को कहता है कि तुम कोई
बायर ढूंढो जिससे हम इस प्रॉपर्टी को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकें। और ए ढूंढता है सी को, बायर है, तो अब ए अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सी को सेल कर देता है। अब देखिए यहाँ पर ए जो था उस प्रॉपर्टी का अकेला ओनर तो था नहीं, क्योंकि उसके ओनर कौन थे, ए और बी दोनों उसके ओनर थे, लेकिन सेल किसने करी, सेल करी है ए ने सी को। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ए अकेला ओनर नहीं था लेकिन फिर भी उसने सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, और वो भी एक गुड टाइटल के साथ, क्योंकि बी ने उसे कह सकते हैं एक राइट दे रखा था, या दोनों ने म्यूचुअल उनकी बातें हो गई थी कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे, या बी ने राइट दिया था ए को, सेल बाय मर्केंडेबल मर्केंटाइल एजेंट। अब आप जाते हैं किसी शोरूम में, जैसे आप कार परचेज करते हैं या आप बाइक्स परचेज करते हैं, तो क्या होता है वो उनके रियल ओनर्स नहीं होते उन बाइक्स के शोरूम वाले, वो तरह से सिर्फ एक एजेंट का काम करते हैं। जैसे कोई एक कंपनी है, अब वो हर स्टेट में तो अपना काम खुद नहीं रन कर सकती, तो क्या करती है, वो अलग अलग स्टेट में अपने एजेंट्स को कह सकती है, नियुक्त कर देती है, या वहाँ पर अपने एजेंट्स को रिक्रूट कर लेती है। तो एजेंट क्या करते हैं, इस कंपनी के बिहाफ पे कंपनी इन्हें अपना गुड्स बेचती है, और ये उस गुड्स को फिर पब्लिक को सेल करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके पास ओनरशिप नहीं होती गुड्स की, क्योंकि ओनरशिप तो होती है प्रिंसिपल के पास, मतलब कंपनी के पास। उसके बावजूद भी ये उस प्रोडक्ट को बिना ओनरशिप के कस्टमर्स को या बायर्स को सेल करते हैं, इसके साथ एक गुड टाइटल के साथ। तीसरा है सेल बाय या अनपेड सेलर। अब कह सकते हैं कि आपने सेलर ने कोई प्रोडक्ट, या एक सेलर आपका, उसने कोई प्रोडक्ट था बायर को सेल करा, लेकिन बायर ने क्या किया, बायर ने प्रोडक्ट की पेमेंट अभी तक आपको नहीं दी है। जब बायर ने पेमेंट नहीं दी तो सेलर के पास ये राइट होता है कि अब वो था तो मतलब गुड्स तो उसका हो गया था बायर का, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, लेकिन बायर ने उसे पेमेंट नहीं दी सेलर को। तो इस कंडीशन में सेलर उस गुड्स को किसी दूसरे बायर को सेल कर सकता है विद गुड टाइटल, या कह सकते हैं एक अच्छे टाइटल के साथ बायर को ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि जब पिछले बायर को उसने ट्रांसफ़र करी, सेल करी, तो उसने उसे पेमेंट नहीं करी, तो ये कंडीशन है। फोर्थ है सेल बाय पोनी, मतलब जब आप साहूकारों से ब्याज लेते हैं या आप कोई चीज़ गिरवी धरते हैं किसी अमाउंट के बदले, तो हो सकता है कि आपको 100 रुपये की ज़रूरत थी, आपने कोई उसके लिए कोई प्रोडक्ट अपना कोई आइटम धर दिया साहूकार के पास या किसी एजेंसी के पास कि 1 साल के अंदर मैं आपको आपके 100 रुपये वापस कर दूंगा, फिर आपको आप मुझे मेरा एक गुड्स रिटर्न कर देना। अब गुड्स का पोजेशन तो उस एजेंट के पास, उस कंपनी के पास है, लेकिन ओनरशिप तो नहीं है ना, ओनरशिप तो उस कस्टमर के पास ही होगी जिसने उनसे 100 रुपीज़ लिए हैं। इन केस 1 साल बाद अगर ये हमारा जो कस्टमर था वो अपने 100 रुपीज़ को पे नहीं कर पाता है इस साहूकार को या इस एजेंसी को, तो इस एजेंसी के पास राइट होता है कि वो उसके गुड्स को सेल करके अपना जो अमाउंट था उसको रिकवर कर सके विद ट्रांसफ़र ऑफ गुड टाइटल। ट्रांसफर बाय टाइटल बाय इस्टोपल, मतलब आप इसे समझ सकते हैं कि ए और बी एक फ्रेंड है, और सी, अब सी आता है ए के पास, बोलता है मुझे आपकी कार परचेज करनी है, या आप कितने की सेल करोगे। तो ए ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे वो कार उसकी ना होकर बल्कि बी की है, तो सी को अब ऐसा बिलीव करवा देता है कि वो कार बी की है। तो सी अब जाके सीधा बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, बी से डिस्कस करता है अबाउट टू परचेज ऑफ कार, और बी तैयार हो जाता है कि हाँ अब वो उस कार को बेचेगा। बट जब आपका सी उस चीज़ को परचेज करने जाता है, तो वहाँ पर ए आके बोलता है कि मैं इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरा है। लेकिन पहले ए ने क्या किया था, सी को बिलीव दिलाया था कि वो प्रोडक्ट ए का ना होकर बी का है। तो इस केस में सी के पास राइट है कि वो उस कार को परचेज करे, और अब जो बी है, कहने के लिए तो बी उसका ओनर नहीं था ना कार का, लेकिन अब बी बिना ओनर हुए उस कार को सी को ट्रांसफ़र करेगा विद अ गुड टाइटल। इसमें देखा कार ए की थी, लेकिन अब से कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, सी को, बी ट्रांसफ़र कर रहा है, क्योंकि ए ने ऐसा बिलीव दिलाया, ऐसा विश्वास दिलाया कि वो कार बी की है। सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स, अब आपको कोई गुड्स
मिलता है, मतलब कोई आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट वहाँ मिलता है जिसका ओनर वहाँ पर नहीं है, या कोई उसके ओनरशिप के लिए क्लेम नहीं करता, तो उस कंडीशन में भी आप उस गुड्स को एक अच्छे टाइटल के साथ बायर को सेल कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेल बाय द बायर इन पोजेशन। अब बायर ने कोई चीज़, आप जैसे किसी कंपनी में जाते हैं शोरूम, आप ऑटोमोबाइल में गए, ऑटोमोबाइल एजेंसी में, तो वो क्या करता है कस्टमर्स को, आप टेस्ट ड्राइव के लिए आप कोई कार देते हैं कि आप इसे कार को ले जाइए, 3 दिन चलाइए, और अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे रखिए, नहीं तो हमें रिटर्न कर दीजिए। तो मतलब पोजेशन किसके पास है, हमारे यहाँ पर बायर के पास का पोजेशन होता है कार का। बायर इस कार को लेके गया, 2 दिन उसने चलाई, और तभी उसे कोई और तीसरा बायर मिल गया जो बोलता है कि मैं आपको इस कार की जितने में आप इसे ले रहे हो या उससे ज़्यादा प्राइस मैं आपको दूंगा, ये कार आप मुझे सेल कर दोगे। तो हो सकता है यहाँ पर बायर ने इस कार को 1 रुपये में परचेज किया हो, जो सी था हमारे पास वो उस कार को 2 रुपये में लेने के लिए तैयार हो। तो क्या करेगा बायर, इसके पास सिर्फ पोजेशन था उस कार का, ओनरशिप नहीं थी, लेकिन अब सिर्फ पोजेशन के साथ ही ये उस कार को सी को ट्रांसफ़र कर देगा विद अ गुड टाइटल। और एजेंसी में क्या करेगा, जिसने उससे वो कार टेस्ट ड्राइव के लिए थी, उन्हें आकर बाद में वो अपनी 1 रुपये की पेमेंट करके इनसे उसकी ओनरशिप भी लेके बाद में ट्रांसफ़र कर देगा सी को। तो इसमें कह सकते हैं कि आपके पास पोजेशन है उस गुड्स का, और आप उस कंडीशन में भी उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं गुड टाइटल के साथ। आपका लास्ट पॉइंट है सेलर बाय द सेलर इन द पोजेशन आफ्टर सेल। अब हो सकता है कि आप सेलर जो है पोजेशन के बाद उस प्रोडक्ट का सेल करें। इसमें आप इसका समझेंगे कि एक शोरूम है, उसने कोई उसके पास कोई ए प्रोडक्ट था, कोई टू प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट के नाम है, और उसने पहले ये करा, ए को उसने ये प्रोडक्ट सेल कर दिया, लेकिन अभी ए ने इस 1 प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं ली है। और तभी उसके पास कोई बी बायर आता है, वो भी सेम प्रोडक्ट की डिमांड करता है, लेकिन अभी जो सेलर के पास वो सिर्फ एक प्रोडक्ट था, तो वो क्या करेगा, उसी प्रोडक्ट को उठा के बी को सेल कर देगा या ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका बायर किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद नहीं लेता और सेलर के पास उसका पोजीशन होता है सेल के बाद भी, तो उस कंडीशन में भी वो उस प्रोडक्ट को किसी और बायर को ट्रांसफ़र कर सकता है विद अ गुड टाइटल। बस में होता है आप जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपके जो इंटेंशन होनी चाहिए, आपका जो गुड फेथ होना चाहिए, वो सब इसके अंदर आता है। तो ये था आपका ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। तो आई होप अब आपको आपकी यूनिट समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई डिफ़िकल्टीज हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।